हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मौसम 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा हो रखा है पटना में। और अभी सुबह सुबह का समय तो वैसे भी गर्मी उतनी नहीं रहती है, इसलिए मैं हमेशा सुबह का टाइम चुनना पसंद करता हूँ व्लॉगिंग के लिए। और आज सैटरडे है, हम निकल चुके हैं एक नई चीज़ की तलाश में आपको कुछ नया दिखाने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिग थैंक यू कि आपने मेरे लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। बहुत लोगों ने देखा, बहुत अच्छा रिव्यू आया उस वीडियो का। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस वीडियो को इतना पसंद किया जाएगा जो मैंने ISBT बस स्टैंड का वीडियो बनाया था। और आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक नई चीज़ दिखाने, जो कि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बने उसके ऊपर, बट आई थिंक कि उसकी कहानी बताई जानी चाहिए आप लोगों को। इट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो जानना ज़रूरी है लोगों के लिए। ये देखिए पटना का स्टेडियम, पाटलिपुत्रा खेल परिसर, और यहाँ कुछ लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज का वेदर पटना का बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही हैं और धूप भी नहीं है, बिल्कुल मौसम लग रहा है सुबह में। और ये देखिए पटना का नया मेदांता हॉस्पिटल, इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ मैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी इसकी ओपनिंग नहीं हुई है और अभी कुछ फिक्स नहीं है ये कब तक शुरू होगा, बट पटना के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट रहेगी ये भी कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल पटना को मिलेगा। और ये भी हम आ गए हैं कंकड़बाग मेन रोड वाले ओवर ब्रिज पे। ये ओवर ब्रिज आपको मैक्सिमम टाइम खाली ही मिलेगा। ये देखिए करबी गया स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा है। ये फैक्ट्री जो आप देख रहे हैं, ये जब से मैं देख रहा हूँ ये वीरानी पड़ी है, पता नहीं आज तक कभी मैंने इसे चलते हुए नहीं देखा। और ये देखिए सामने तिरंगा झंडा, अगर आपको देख पा रहे होंगे, और हनुमान मंदिर का नज़ारा सुबह में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। और ये हमारा पटना GPO। जब ये रोड शुरू में बना था तो ये अपने टाइम का सबसे अच्छा रोड हुआ करता था और हम अपने बाइक की टॉप स्पीड चेक किया करते थे इस रोड पे। बट अब तो इससे अच्छे रोड्स हो गए पटना में और ये रोड काफ़ी बिजी भी रहने लगा आजकल। अभी चूँकि सुबह का टाइम है इसलिए खाली दिख रहा है, बट ऐसे यहाँ कई पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑफिस वगैरह हैं तो इस वजह से गाड़ियाँ बहुत पार्क रहती है। ये जगह ये इनकम टैक्स बिल्डिंग, मिस कॉलेज का कैंपस। कैब वाले तो खतरनाक चलाते हैं पटना के अंदर। और ये देख रहे होंगे आप राइट बोइंग रोड जाने के लिए जितने भी रूट्स हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। अब आपको कहीं पे भी सिग्नल पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आगे जाइए और यू टर्न लेके आ जाइए। अब सिग्नल का सिस्टम इस बेरी रोड पे ख़त्म हो चुका है। ये देखिए आप यहाँ आगे, जैसा कि देख पा रहे होंगे ये पटना का म्यूज़ियम है, पहले ये देख लीजिए। और यहाँ से आपको यू टर्न लेके बोरिंग रोड में जाना पड़ेगा, तो इससे एक फ़ायदा हुआ कि जो सीधा जाना चाहता है वो सीधा चला जाता है और जिसे राइट जाना होता है तो वो यू टर्न लेके वापस आ जाता है। तो सिग्नल के कारण जो ट्रैफिक होता था वो बंद हो गया। ये विश्वेश्वरैया भवन है, यहाँ बिहार सरकार के ऑफिसेज हैं और हमें इसी के अंदर जाना है, ये पानी टंकी वाले रोड के अंदर। तो जो चीज़ मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी लोगों की नज़र पड़ी होगी उस पर, लेकिन मैंने YouTube पे भी सर्च किया, कोई डेडिकेटेड ब्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी कहानी मैं आपको डिटेल में सुनाऊँ। और ये दोनों तरफ के पेड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इस रोड पर, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ऐसा रोड जहाँ दोनों साइड से पेड़ हों
और बीच में आपकी बाइक जा रही हो। और हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। यही वो जगह है मैं आपको दिखाना चाहता था, शहीद स्मारक पटना का। और इसकी एक छोटी सी कहानी मैं अभी आपको सुनाता हूँ, तो एंजॉय कीजिए और बताइए मुझे कि आपको कैसी लगी ये कहानी। तो ये कहानी है आज से लगभग 78 साल पहले की, या यूँ कहें कि 8 अगस्त 1942 की। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रख दी थी और पूरे भारत में आंदोलन की आग बहुत बुरी तरह फैल चुकी थी, और इस आंदोलन की चिंगारी से बिहार भी अछूता नहीं रह पाया था। हमारा पूरा पटना शहर प्रदर्शन स्थल बन गया था और कांग्रेस के सारे सीनियर नेताओं को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था। पटना के हर घर घर में आज़ादी के गीत गाए जा रहे थे और स्कूल और कॉलेजों में भी टीचर्स और स्टूडेंट्स आज़ादी का ही पाठ पढ़ रहे थे। अब चूंकि अंग्रेज़ों ने सीनियर लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया था, तो आंदोलन का जो दारोमदार था वो पूरी तरीके से युवाओं के कंधे पर आ गया था। अंग्रेज़ भी इस स्थिति को भांप गए थे, तो उन्होंने जो गिरफ्तारी की थी लीडरों की, उसको जस्टिफाई करने के लिए और पब्लिक को शांत करने के लिए कई तरह की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई और उसे रेडियो पर प्रसारित भी कर दिया। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और आंदोलन ने रफ्तार पकड़ लिया था। बिहार के युवाओं ने फैसला कर लिया था कि अब करो या मरो वाली स्थिति है, और यही नारा गांधी जी का भी था। तो अब ये जो भीड़ थी आंदोलनकारियों की और जो युवा नेता थे उनकी भीड़ इकट्ठा होने लगी और आंदोलन में वो लोग शामिल होने लगे। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अब ये लोग एकजुट हो चुके थे और सड़कों पर उतर आए थे। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और भारत माता की जय जैसे नारों से पूरा आकाश गूंज उठा था। उत्तेजना इतनी बढ़ चुकी थी कि 10 अगस्त के रात को लोग सो भी नहीं पाए थे। 8 अगस्त को ये लोग अपने घर से निकलने लगे और रोड पे एकत्रित होने लगे। ये वो लोग थे जिनको आज़ादी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। पटना का जो अशोक राजपथ है, जिसे पटना का लाइफलाइन भी कहा जाता है, वहाँ ये लोग एकत्रित होने लगे। ये जो भीड़ जुटी थी उनकी बांकीपुर में एक सभा हुई और वो लोग सचिवालय की ओर मार्च करने लगे। आज उन्होंने फैसला कर लिया था कि सचिवालय पर अंग्रेज़ों का झंडा नहीं बल्कि अपना तिरंगा लहराएगा। इन लाठीचार्ज होने के बाद भी इनका हौसला टूटा नहीं बल्कि इनमें और जोश आ गया और ये लोग दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़े। आंदोलनकारियों की संख्या लगभग 6000 थी और इतनी बड़ी भीड़ देखकर उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट WG आर्शर ने इन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लहराने के लिए सबसे पहले देवीपत चौधरी, जो कि मिलर हाई इंग्लिश स्कूल के क्लास 9वीं के छात्र थे और सिलहट जमालपुर के रहने वाले थे, उन्होंने सबसे पहले अपने कदम बढ़ाए। उस समय उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। उसी समय अंग्रेज़ों ने इनके सीने में एक गोली मार दी और वो वहीं गिर पड़े। वो तो गिर पड़े, लेकिन इससे पहले कि तिरंगा गिरता, राम गोविंद सिंह, जो कि पुनपुन हाई इंग्लिश स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र थे, उन्होंने तिरंगा थाम लिया। अब राम गोविंद सिंह जैसे ही तिरंगा लेकर आगे बढ़े तिरंगा फहराने के लिए, उन्हें भी गोली मार दी गई और वो भी गिर पड़े। अब जो है तिरंगा रामानंद सिंह के हाथ में था, जो कि शहादत नगर पटना के रहने वाले थे और राम मोहन रॉय सेमिनरी के कक्षा 9वीं के छात्र थे। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, एक गोली उन्हें भी लगी और वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब अगली बारी थी राजेंद्र सिंह की। राजेंद्र सिंह पटना हाई इंग्लिश स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र थे और बनवारी चक सारण के रहने वाले थे। अब वो तिरंगा हाथ में उठा के आगे बढ़ने लगे। गोलियां लगातार चल रही थीं और इसी बीच एक गोली उन्हें भी लगी और वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। भारत माता की जय, ये उनके आखिरी शब्द थे और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। लक्ष्य बस कुछ ही कदम दूर था। अब जगतपति कुमार नाम के युवा, जो कि बिहार नेशनल कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्र थे और औरंगाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने मोर्चा संभाला और तिरंगा अपने हाथ में लेकर आगे बढ़े।
जगतपति कुमार को एक साथ 3 गोलियां लगी, एक छाती में, एक हाथ में और एक जांघ में। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और थोड़ी दूर जाकर वो भी शहीद हो गए। जगतपति कुमार के शहीद होने के बाद तिरंगा अब सतीश प्रसाद झा के हाथ में था। ये जो थे वो पटना कॉलेजिएट स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र थे और भागलपुर के रहने वाले थे। सतीश प्रसाद झा को भी गोली मार दी गई और उनके गिरने के बाद अब तिरंगा उमाकांत प्रसाद सिन्हा के हाथ में था। वो राममोहन रॉय सेमिनरी के कक्षा 9वीं के छात्र थे और सारण के रहने वाले थे। लक्ष्य कुछ ही दूर पर था और उन्हें भी गोली लगी। उमाकांत प्रसाद सिन्हा गिर पड़े, लेकिन तब तक तिरंगा सेक्रेटेरिएट के ऊपर लहरा चुका था। उनका लक्ष्य पूरा हो चुका था, भले ही उसे देखने के लिए वो जिंदा नहीं रह पाए थे। उस दिन पटना के उन 7 छात्रों ने अपने खून से जो इतिहास लिखा वो शायद ही कभी भूला जा सकेगा और सदियों तक पटना के युवा कहानी से प्रेरणा लेते रहेंगे। आज की युवा पीढ़ी शायद इन 7 शहीदों के बारे में नहीं जानती, या जो जानती भी थी वो इन्हें भुला चुकी है, लेकिन इन 7 शहीदों का जो योगदान रहा है हमारी आज़ादी के लिए, उसे भुलाया नहीं जा सकता। मुझे जब इस बारे में पता चला तो मुझे खुद को बुरा लगा कि मुझे इस कहानी के बारे में नहीं पता थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने सोचा कि इस संदेश को मैं एक बार ज़रूर आप लोगों के बीच पहुँचाऊँगा। और इसी आशा के साथ मैंने ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप भी जानें और कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आप भी बाकी लोगों में बांटें या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब इसी के साथ हम निकलेंगे इस जगह से, अलविदा कहेंगे इस महान शहीद स्मारक को और उन महान शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी हमारे लिए, इंडिया के लिए। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे इसके बारे में, पर अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं जानते हैं तो मैंने ये वीडियो आपके लिए ही बनाया है, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था। तो अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि क्या रीज़न था इस वीडियो को बनाने का। तो कहानी कुछ ऐसी है कि साल था 2018, जगह था इंटरव्यू सेंटर, मेरा IBPS का PT और मेंस सेकेंड टाइम क्लियर हुआ था और इंटरव्यू के लिए मैं अपीयर हो रहा था पटना में ही। तो द इंटरव्यू वॉज गोइंग क्वाइट वेल, बट एक इंसान ने मेरे से एक भी सवाल नहीं पूछा था, वो बस मुझे बैठा बैठा देख रहा था। लास्ट में उसने बोला कि चलो, लगभग सारे सवालों के जवाब मैंने ठीक ठाक दे दिए थे, सेटिस्फैक्ट्री दे दिए थे। तो लास्ट में उसने बोला, चलो ठीक है शक्ति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सेक्रेटेरिएट जो है, मैं आपको बताना भूल गया, वहीं पे सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग भी है आगे जाने पे, राइट साइड में, कृष्ण बल्लभ सहाय अमर स्वतंत्रता सेनानी, 31 दिसंबर 1898 से 3 जून 1974 तक। तो मैं ये आपको बता रहा था कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन कारण ये है कि इंटरव्यू में मेरे से उन्होंने ये सवाल पूछा कि सेक्रेटेरिएट के पास एक मूर्ति बनी हुई है जिसमें कुछ लोग हैं, एक सिंगल मूर्ति नहीं है, बहुत लोगों की मूर्ति है, तो आप मुझे उस मूर्ति के बारे में कुछ बताइए। तो शहीद स्मारक का नाम मैंने तो सुना था, पर उसके बारे में डिटेल्स नहीं पता थी मुझे, और ज़्यादा याद भी नहीं था, आप समझो कि मुझे नहीं पता था। बट मुझे जवाब में कुछ नहीं बोलने से बेटर लगा कि मैं कुछ बोल दूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने बेवकूफ़ी भरा जवाब दे दिया कि वो डांडी मार्च की मूर्ति है, डांडी मार्च की याद में बनाई गई है, और बस इतना काफ़ी था। और इंटरव्यू पैनल के उस बंदे ने कहा कि ठीक है शक्ति जी, आप जा सकते हैं। जब घर आया, अपने पेरेंट्स के साथ ये चीज़ डिस्कस की, उन्हें मैंने बताया कि मैंने ऐसा जवाब देखा है, तो वो लोग सब हंसने लगे और साथ ही साथ गुस्सा भी हो गया मुझ पर, चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है,
मैंने बोला ऐसा क्या है, डांडी मार्च बोला क्या गलत किया, तो बोला वो डांडी मार्च है, वो शहीद स्मारक है। और उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई। उसी दिन मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में जब मुझे नहीं पता है तो हो सकता है बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो क्यों ना इसके बारे में लोगों को बताया जाए, जागरूक किया जाए। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। जब मैंने चैनल शुरू किया तब तो मैंने डिसाइड कर लिया कि उस पर एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाऊंगा। तो एज अ रिज़ल्ट आप देख सकते हैं ये वीडियो मैंने आपके सामने रखा। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि पटना क्या रोल रहा है हमारे आज़ादी की लड़ाई में, और इन शॉर्ट बिहार का क्या योगदान रहा है। चंपारण सत्याग्रह जिसके बारे में आप जानते होंगे, वो भी बिहार से शुरू हुआ था। बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है बिहार की, सिर्फ आज़ादी के समय से नहीं, उससे पहले भी। चाहे वो सम्राट अशोक की राजधानी हो या कई राजाओं के किले, और राजधानी पटना ही हुआ करती थी, पाटलिपुत्रा के नाम से इसे जाना जाता था पहले। तो अगर आपको लगा कि ये वीडियो बना के मैंने कुछ अच्छा किया, और ये जानकारी आपको नहीं थी या थी भी पर इसके बारे में आप एक वीडियो देखना चाहते थे, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मैं समझ जाऊँगा कि ये वीडियो बना के मैंने कुछ अच्छा किया है। वेलकम बैक गाइज। ये व्लॉग बनाने से पहले मैंने बहुत बार सोचा, कई दफ़ा सोचा कि इस व्लॉग को बनाऊं या नहीं बनाऊं, कहीं ये व्लॉग इंटरेस्टिंग बनेगा या पब्लिक इंटरेस्ट लेगी इसमें या नहीं लेगी। पर मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें खुद के लिए भी करनी चाहिए, तो ये व्लॉग मैंने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा और पब्लिश करूंगा। तो अब आप डिसाइड करो कि ये व्लॉग कैसा बना है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप किसी को इस बारे में बताना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तब तक के लिए फिर मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।